मातंक ग्रामरु आसी पितंक नहर रे निस्तब्ध पलटि जाइछि काहरि मुहरे हत नाही वृक्ष पशु पक्षी कीट पतंग समस्ते निस्तब्ध पलटि जाइछन्ति। अयोध्या को कला बादल ढंके रहिछि कण होइछि काठारु समस्त वृत्तांत बुझी नेबी। हाँ निश्चय मु जाए मो मातांक अंतपुरी को मातांक ठारु समस्त वृत्तांत बुझी नेबी। प्रभु तुम्हारी सम्मुखे सब कौन घटिगला सामान्य स्वार्थ पाई मुझे एत बड़ निष्पत्ति नहींगली। अरे अयोध्यार प्रजागण मुझे कौन कह मोर पुत्र सम्मुख को जाए पिताई अवस्था पाई ज्येष्ठ भ्राताईपरी अवस्था पाई केवल मु दाय सामान्य स्वार्थ पाई दंड साजिजे किपर सम्मुखीन करी मो पुत्र भरत को ना से जहाँ भी होना कहीं भरत आसवा मात्रे मु तार हाथ गोड़ जोड़ी अयोध्या राजा कर राजा कर Thank you।
माता कहंती भाई रामचंद्र भरत माँ जानकी आउ सानुज भाई लक्ष्मण भरत कौन होइची माता मु राज नगर आसला बेले राजवाटी रे समस्त प्रजा वृंद आउ पशु पक्षी कीट पतंग अश्वमाने निस्तब्ध पलटि जाइछि बाबूरे भरत समस्तक चक्षुरु धार धार होइ लोतक बही जाउछि माता भरत कौन होइछि से वृतांत मते खोली कुहंतु माता बाबूरे भरत तू फेरी आसीचु भरत आरे भरत मु कल को टिके आरे सबु किछि कहबी रे भरत सबु किछि कहबा पूर्वरु तुए माता को खेमा करी दे रे पुत्र भरत काहिकी माता अरे तुम्हारा कौन भूल करी जो तुमे जे तुमे मोठरु क्षमा चाहूच कह गोटी गोटी करी समस्त वृतांत मते बुझाई दियंतु माता कौन कहबी भरत ए मार मातृत्व को जलांजलि दे तुम पिता के सम्मुखे सत्यबोध कराइली मु आ से सत्यबोधर कारण है जे स्वार्थ पुत्र स्वार्थ स्वार्थ सामान्य स्वार्थ पाई मु तुम ज्येष्ठ भ्रात को 14 वर्ष वनवास पठाए छे चौद वर्ष बनवास गमन पर पिता तब क्षण क्षण मूर्छित अवस्था रे ଭରତ ଏ ମାର ଏତିକି କଥା ରଖ ଭରତ
तोरी पाई मु केते कष्ट अनुभव करिछि रे भरत आ ए राजभार ग्रहण कर भरत नो नो माता ना तुमर सामान्य स्वर्थ पाई हे अयोध्यावासी आखिरे दर दर लोह दे दल ना ना भरत ना ना माता आओ मते वाक्य प्रयोग कले ମାତୃବଧରେ ଶ୍ରେୟ ଲଗାଇ ତୁମେ ଆଜି କଳଙ୍କ ସାଜିଲ ବାତ ସାଜିଲ ଏପରି କହନରେ ପୁତ୍ର ଆରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଭ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ଦୋଷୀ ହେଲେ ହେଲେ ଏସବୁ ତୋରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭରତ ତୋରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆରେ ତୁ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜ ମତେ କୁହାଇବି ରେ ଭରତ ଭୁଲି ଯାଅ ତୁମେ ରାଜମାତା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏଇ ବରୁଦବରା ରାଜ ସିଂହାସନ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର କେବଳ ପିତୃ ପ୍ରତିମ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ମାତା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ଏ ଚୁନିରେ ସପ୍ର ପ୍ରତିଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦେବି ଯିବି ମୁଁ ମାତ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟାଇବି ସୁଖ ପାଇଲୁ ଜନନୀ ହୋଇଲୁ ଭାବିଥିଲୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ରାଜା କରିବି ବୋଲି ମନରେ ଭାବିଥିଲୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ତୋର ରାଜା କରିବି ବୋଲି ମନରେ ଭାବିଥିଲୁ ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ଥରାର କୁମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଜି ଜାଳି ପଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଲି ମୋର ସୁନାର ଅଯୋଧ୍ୟାଟାକୁ ହେ ଭଗବାନ କଣ ସାମାନ୍ୟ ପାପର ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏ ସମାଜରେ କେଉଁ ମାତା ପୁତ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଆପଣ ବି ତ କେଉଁ ମାର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କର ବି ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଭ ବହ ଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଆରେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ତ ହସିବାର କଥା ନା
थरुटे स्वामी आखि खोली चाह देखो ना तमरे कह के आज राजमाता पलटी गला प्रभु राजमाता जा हाथ रे थाई शंखा मतरे थाई सिंदूर से आज श्मशान रूपक अयोध्या रे राजमाता पलटी विष्णु कल्पना अरे अरे अयोध्यार पूरा पल्ली माओ भौणी माने कैकर हिंसात्मक मनोभाव घर भांगे आचरण तुम मैंने जमारु ग्रहण कर नाई चंद मंद टाउली टापरा आम भाई नारी मान गोटे गोटे दुर्गुणा तेणु यही आज सुनार अजोध्या भाई रुचि चारका रही गला बाप घर शाशु घर को आसिले शाशु शशुर को बापा माँ बोली ग्रहण न कले मु ठीक जानी प्रकृति आसक्ति तुम मान को ग्रास कर चलती भगवान ये हूँ आपण का चक्रांत नतदिन पर्यत समस्त समाज कह सती लुहरे चलब लंका दुनियार भल मत बुझब केमी छाड़ी चल गला से तो सही सोमी रखण सीता माता जाना ता सहित चली गला भरत एक झाकी आसीब की सत राम बन राम बन राम बन